नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के खिलाफ पिछले करीब दो महीने से जारी शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंत काल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, अदालत ने कहा कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं। याचिका पर केंद्र सरकार को दिया गया नोटिस, सार्वजनिक रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। 17 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, याचिका पर केंद्र सरकार को दिया गया नोटिस, सार्वजनिक रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है। करीब दो महीने से शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अनंत काल के लिए किसी भी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। अमित दुबे जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अमित, शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या कहती है? देखिए, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों से जवाब मांगा गया है कि जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह जब्त नहीं किया जा सकता, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर इतने दिनों तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर बोला। लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के लिए जवाब मांगा है कि इन लोगों को और कोई जगह उपलब्ध कराई जाए, और अब तक जगह क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है। अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों अपना जवाब दाखिल करेंगी। अगली सुनवाई जो है वो 17 तारीख को होनी है और 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट मामले का फैसला करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए।